नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माध्यम से आपको काली कसौंदी के बारे में अवगत करा रहा हूँ। मैं पहले भी वीडियो डाल चुका हूँ पर कुछ लोग उसको पहचान नहीं पाए, इसलिए पुनः मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ। ये देखिए, ये इसकी फल है, ये फल फली है छोटी सी, इसमें छोटा सा बीज निकलता है, इसको कसौंदी बोलते हैं। परंतु ये कसौंदी का एक प्रकार है, काली कसौंदी, ये बड़े काम की, इसको बोलते हैं। एक होता है चक्रमर्द, जिसको चिरोटा बोलते हैं, यह है कांसमर्द, उसी के प्रजाति का है, चिरोटा के प्रजाति का है, इसको बोलते हैं कांसमर्द। ये चिरोटा का आपका 1-1.5 फीट का पौधा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 फीट का होगा, ये 4-5 फीट तक जाता है। इसकी डंडी ये देखिए कत्थई कलर की है, नीचे एकदम काली है, ऊपर क्योंकि नई कोपल है इसमें देखिए कलियाँ लगी हैं, फूल लगे हैं, पत्ती को इसको पहचान लीजिए। ये बहुत काम की है मित्रों कसौंदी, ये शरीर में किसी भी प्रकार के विष को बाहर निकालने में सामर्थ्यवान है। ऊपर अगर कोई विष है, चर्म रोग है, तो इसकी पत्ती का रस लगाइए, इसकी पत्ती का रस, जैसे बरैया ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, तो इसकी पत्ती का रस तुरंत लगाने से आप पीस के लगाइए, तुरंत आराम हो जाता है। जैसे कई बार आपने देखा कम्बल कीड़ा अगर हाथ पे चल जाए या उसको रगड़ लो आप, तो उसका जो छोटे छोटे बाल रहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा विष होता है, उसके सामने के भाग पे जो बाल रहता है उसके तने पे, वो हड्डी के अंदर घुस जाता है और हड्डी को अंदर पका देता है। और डॉक्टर बोलेगा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। कुछ मत करिए, इसके पत्ती का रस निकालिए और लगा दीजिए 4-5 दिन, उसका पूरा विष उसी वक्त ख़त्म हो जाता है। इसको बोलते हैं पात कसौंदी विष हरे, फूल रतौंदी जाए, ऐसी कविता है। पुराने आयुर्वेदाचार लोगों ने ऐसी सब चीज़ें बना दी हैं ताकि हम उसको समय समय पर अवगत होकर उसका फ़ायदा ले सकें। तो रतौंदी मतलब जो जिनको रात को नहीं दिखता है, इसके फूल को खाने से रात में नहीं दिखना ठीक हो जाता है। और पात कसौंदी विष हरे, इसका जो पत्ती है वो हर प्रकार के विष को हरती है। वात रोग में इसकी पत्ती का चूर्ण उपयोग होता है, इसको सुखा के रख लें, पंचांग को पूरे को वात रोग में उपयोग होगा। पेट में नाना प्रकार के हमारे विष रहते हैं, जो हम आजकल तो बहुत ही ज़्यादा विष खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा विष हमारे पेट में जा रहा है, समस्त विष को बाहर निकालता है, रक्त को शुद्ध करता है। इसके बारे में तो यहाँ तक बोलते हैं कि शेर का बाल, पुराने ज़माने में शेर का बाल खिला देते थे, अब तो संभव नहीं है, शेर का बाल खिला देते थे तो आदमी की आंतें काट डालता था वो और आदमी मर जाता था। तो शेर का बाल भी अगर किसी को खिला दिया उसका कोई इलाज नहीं। इसके पत्ती का अगर एक हम पत्ती का एक आधा आधा कप रस अगर 4 दिन पिला दें तो शेर के बाल को गला के बाहर निकाल देता है। अगर पेट में किसी प्रकार की पिन खाली, अलपिन खाली या कोई ऐसी चीज़ चली गई है, उसको भी ये गला के जड़ मूल से मलमूत्र से बाहर निकाल देता है। इसका एक और प्रयोग है, जो गाल बेडर की पथरी है, हम जो चूर्ण बनाते हैं गाल बेडर की पथरी का, और रक्त शोधक हम जो चूर्ण बनाते हैं, वात रोग जो चूर्ण, सब में हम इस कसौंदी का बहुत उपयोग करते हैं, क्योंकि समस्त विष को शरीर से बाहर निकाल के हमारे रक्त को, शरीर को, सबको शुद्ध करता है। इसको हम कह सकते हैं कायाकल्प औषधि है मित्रों। ही मैं इसलिए आज यहाँ इसको डाल रहा हूँ क्योंकि बस ये अब उग गई है और ये दूर से ऐसे पीले पुष्प और इस तरह की पत्ती से इसको पहचाना जा सकता है। सड़क के किनारे मिल जाएगी, जंगलों में मिल जाएगी, बहुत मिलती है, घूड़े के आसपास जहाँ राख फेंकी हो उसके आसपास, गाँव के आसपास, थोड़ा सा अगर अपन ध्यान दें तो ये भारी मात्रा में मिलती है। इसकी एक और प्रजाति होती है, ये छोटी प्रजाति की है, एक इसकी बड़ी प्रजाति मिलती है, उसकी पत्ती आपको बड़ी मिलेगी, फूल थोड़ा बड़ा मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा गुण दोष का अंतर है, इसका गुण ज़्यादा है, ये ज़्यादा गुणी है और उसके गुण कम है, उसको थोड़ा ज़्यादा दिन तक प्रयोग करना पड़ेगा, बस इतना ही फर्क। जिसका हमेशा आधा सिर सूल में दर्द रहता है, हमेशा बहुत दर्द रहता है सिर में, इसकी पत्ती का रस निकालिए और आप नाक में 2-2 बूंद डाल दीजिए और उसको थोड़ा सा ऊपर खींच लें, सिर सूल बंद हो जाता है। दमा रोग में भी इसकी पत्ती का उपयोग होता है, दमा रोग में हम जो लिक्विड बनाते हैं इसका भी हम उसमें प्रयोग करते हैं, दमा रोग का जो चूर्ण बनाते हैं उसमें भी हम इसका प्रयोग करते हैं। तो हमारी जितनी भी औषधियाँ हैं इसमें कसौंदी का जरूर उपयोग करते हैं, क्योंकि कसौंदी विषनाशक है और शरीर में जितने भी रोग उत्पन्न होंगे आपके विष सही होंगे, विष आपके पेट में जो जाता है आजकल यूरिया से जा रहा, सब्जी से जा रहा, तेलों से जा रहा, खान पान में सब गड़बड़ हो गई है, तो जो जो विष जा रहा है आपके शरीर में एकत्र होता है, फिर बाद में रोग के रूप में बाह प्रकटीकरण उसका होता है, तब हमको समझ में आता है कि ये रोग हो गया।
तो अगर हम इसकी पत्ती का घर में गमले में लगा लें, इसको खूब मिल जाती है, ये बड़ी वाली मिल जाए बड़ी लगा लें, छोटी मिल जाए छोटी लगा लें, इसके दो दो चार चार पत्ती हम खाते रहें, ये इसका फल है, तो हमको फिर कभी कोई रोग होता ही नहीं। ये इतनी बढ़िया कायाकल्प औषधि, इसका एक कायाकल्प भी बनता है, पंचांग को गाय के शुद्ध घी में इसको जलाया जाता है और उसमें थोड़ा सा गौमूत्र का प्रयोग किया जाता है, जब ये सब जल जाए तो ये कायाकल्प बन जाता है। सरल है ये कायाकल्प। इसी प्रकार से इसके फूलों का भी प्रयोग होता है, तो फूल इकट्ठे कर लें, फल इकट्ठे कर लें और इसकी पत्ती, इसके पूरा पंचांग का जब हम प्रयोग करते हैं तो ये बहुत असतीत लाभ हमको देता है। कुत्ते ने अगर काट लिया हो, कुत्ते का जहर चढ़ गया हो, तो इंजेक्शन तो लगवाना ज़रूरी है। इसके साथ अगर ये जो इसके बीज हैं, इसके दाने, इसको बढ़िया पीस के और गुड़ की गोली बना के रोज़ तीन तीन गोली सुबेरे दोपहर शाम खिला दी जाए, तो कुत्ते के जहर को भी ये शरीर से बाहर कर देता है। ऐसा बोलते हैं कि सांप ने अगर काट लिया हो तो इसकी पत्ती का रस नाक में टपकाया जाता है और साथ ही साथ इसके पत्ती का रस उसको आधा आधा कप पिलाया जाए तो वमन के द्वारा समस्त जहर शरीर से ये बाहर करने में सामर्थ्यवान है। शीत रोग हो, दमा रोग जिसको हो गया हो, उसमें भी ये कफ लंग्स को ठीक कर देता है। धीरे धीरे कफ इकट्ठा होकर लंग्स सड़ जाते हैं, लंग्स में कीड़े पड़ जाते हैं, छोटे बारीक विषाणु, उनको ये बाहर निकाल के आपके लंग्स को भी क्लियर करके आपके सांस रोग को दूर करने में सामर्थ्यवान है। ये देख लें मित्रों, ये इसका पुष्प है, बहुत सुंदर खूबसूरत पुष्प होता है। गणेश जी का समय है, गणेश जी को बड़ा प्रिय है ये, गणेश जी को चढ़ता है ये पुष्प तो बड़े प्रसन्न होते हैं वो। तो मित्रों, मैंने आज आपको एक कसौंदी से अवगत करा दिया, इसको देख लें पहचान लें, खूब मिलेगी, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। लोग पूछते हैं यहाँ नहीं मिलती, वहाँ भेज दो, आप खुद प्रयास करेंगे तो एक ढूंढे औषधि जाएंगे चार मिल जाएगी, इसलिए मैं बार बार वीडियो डालता हूँ। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, यूट्यूब के माध्यम से मैंने आपको ये कसौंदी से, काली कसौंदी से अवगत करा दिया। इसका तांत्रिक प्रयोग भी है, इसका अगर बीज को शुभ मुहूर्त में रवि पुष्या नक्षत्र में अगर हम ला के एक दिन पहले से बढ़िया पूजा पाठ करें, उसको अभिमंत्रित करें, भगवान बजरंग बली का नाम लेकर अभिमंत्रित करें, और इस बीज को अगर आप अपने पास रखते हैं तो ऐसा बोलते हैं शेर भी डर के भाग जाता है, शेर भी आप पे हमला नहीं करता। गांव के आदिवासी लोग इसके बीज का हमेशा अपने पास रखते हैं, जड़ भी अपने पास रखते हैं। और अगर कोई जो आपके आजकल नौकरी पेशा जो लोग हैं, उनके बॉस लोग हैं, जो भी है, कहीं भय रहता है लोगों को, आत्मडर रहता है लोगों को, जो डरते हैं रात में, चमकते हैं चौंकते हैं, उसमें भी अगर इसको ताबीज में डाल के पहना दिया जाए तो सब प्रकार के भय को ये दूर करने में सामर्थ्यवान है मित्रों। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, यूट्यूब के माध्यम से मैंने आपको इस काली कसौंदी से अवगत करा दिया। मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। नमस्कार।